Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control. जंगल का साउंड सुनिए। जंगल प्रेमियों के लिए ये सफर बहुत ही मज़ेदार रहेगा। पूरा रास्ता 70% हम लोग सिर्फ जंगल और जंगल के बीच से ही गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और इस ऐसे टूर के लिए एकदम एप्रोप्रिएट टाइम है मॉनसून के बाद, जब गर्मी नहीं रहेगा और ठंड भी नहीं रहेगा वैसा वाला। नहीं, ये टाइगर का आवाज नहीं, स्नेक का आवाज। हाय हाय हाय, मुझे लग रहा है। अच्छा जल्दी जूस पियो, जूस पियो, पीछे से गाड़ी आ रहा है। जूस पियो, आऊंगा तो पानी दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल आपको दिख गया है, हम लोग जा रहे हैं हिंगलाज रिसोर्ट। मुंह में खाना लेके बात नहीं करते। और अभी थोड़ा सा हम लोग रुके हैं एक जगह पे, क्योंकि बहुत लंबा समय तक ड्राइव किए हैं सूरज, तो अभी वो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स ये लोग कर रहे हैं। और अभी वो उस वाले शॉप में गए हैं थोड़ा सा कोकोनट वाटर लाने के लिए मेरे लिए। यहाँ पे हम घर से ही सैंडविच बना के रख लिए थे अपने साथ, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र था तो 3 घंटा लग गया था हम लोगों को, इस वजह से। साथ में बच्चा हो तो आपको खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत अपने साथ रखना ही पड़ता है। ऊपर से सूरज को भी लंच करने का टाइम नहीं मिला था, तो वो भी अभी लंच कर रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है। लंबा है रास्ता थोड़ा सा, ये बस रास्ता ही थोड़ा सा लंबा है, तो और मैंने रास्ते का वो थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब सब जगह पे रास्ता बना हुआ नहीं है, टूटा फूटा रास्ता ज़्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा दूर हम लोग रुक रहे थे, कुछ कुछ देख रहे थे। और यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये हम लोग जस्ट MP घुसे और तुरंत मतलब रोड इतना स्मूथ, बटरी स्मूथ बन गया। मतलब इधर का रास्ता बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। बाकी कोटा से जितना दूर हम लोग आए हैं उतना दूर रास्ता थोड़ा सा खराब ही था, इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। बस इसके आगे हम लोग रिसोर्ट पहुँच ही जाएंगे, बस कुछ ही दूर है।
यहाँ पे देखिए रिसॉर्ट का जो मेन गेट है ये दिख रहा है, इसके भी अंदर 1 किलोमीटर तक और जाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा लंबा है। तो आपको कभी अगर आना है कोटा से तो हम सजेस्ट करेंगे, 2 रूट है, गूगल दिखाएगा, एक शॉर्ट दिखाएगा और एक लंबा दिखाएगा, लेकिन दोनों में टाइम एक ही लगता है करीब करीब, क्योंकि जो शॉर्ट रूट है वो बहुत ही ख़राब रास्ता है, तो आपको 30 के ऊपर स्पीड आपको लेना भी नहीं है, वहाँ जगह जगह पे कॉशन लगाया हुआ है। और जो लंबा रूट है वो रास्ता बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आपका जर्नी बहुत स्मूथ रहेगा, क्योंकि हम लोग जब आए थे तब ये वाला ख़राब रास्ता से आए थे, और जब हम लोग रिटर्न किए थे घर के तरफ तब हम लोग लंबा रूट जो था उसके थ्रू हम लोग आए थे, तो हम लोग का वापस आने का जर्नी बहुत अच्छा रहा। तो बस पूरा दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड गया, हम लोगों का 2 बजे चेक इन था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे ही थे करीब 4 बजे, 3:30-4 बजे के करीब ये गेट पहुँच गए। Fade to gray as you fade away. रिसॉर्ट पहुंच गए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और पहले तो रिसेप्शन समझ में नहीं आया किस साइड है, तो रिसेप्शन को थोड़ा देर के लिए भूल के हम लोग सामने की तरफ चलने लगे, क्योंकि सामने हम लोगों को ये गांधी सागर दिख गया था। यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत है, मतलब एकदम शांति सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक चीज़ है कि आप ये बहुत अच्छे से अगर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप विंटर में आइए, मतलब गर्मी को थोड़ा सा अवॉइड करके अगर आप विंटर में आएंगे तो बहुत ही अच्छे से 100% आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा, सेल्फी पॉइंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और ये चारों तरफ टाइगर रिजर्व एरिया है। बहुत मतलब जिनको डर लगता है तो मेरे जैसे लोगों को थोड़ा डर ही लग रहा था कि भाई कहाँ रहने आए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि रात में कभी निकल विकल आया तो क्या होगा। रिसेप्शन ढूंढते हुए पहुंच गए हम लोग, ये इधर है रिसेप्शन, नहीं पहले एक बार ये कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए किधर है अपना कॉटेज वगैरह। चलो ये रिसेप्शन है, इस साइड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सीटिंग एरिया, मुझे पर्सनली इनका डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा,
जिस तरीके से इन्होंने रिसेप्शन को सजा के रखा है। यहाँ कुछ बुक्स का कलेक्शंस भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ से लेकर आप पढ़ सकते हो यहीं भी बैठ के, हालांकि हमने एक्सपीरियंस नहीं करा है वो। कृष्ण की मामा यहाँ पे बोलना चाह रही थी, कृष्ण की मामा माखन निकालती है यशोदा मैया, उसे लगा ये वही है। यहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज वगैरह हो रहा है। वाईफाई अवेलेबल। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का आधार कार्ड कंपलसरी है, हम तो भूल गए थे, बाद में मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा, वो फ़ोन में था लकीली। तो आप जब आएंगे तब इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी मम्मा इट्स टू लेट बेटा, पूल देखते ही बेटू का मन कर रहा था कि अभी ना आ ले, बट ये बहुत लेट था, 4 बज गया था, इस वजह से हम लोगों ने नहीं अलाउ करा। ये बहुत जन इन्जॉय कर रहे हैं पूल में, जो लोग पहले से स्टे कर रहे हैं शायद, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है बच्चों का, झूला वगैरह है खेलने के लिए। इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सफ़र ही इतना मतलब मज़ेदार था कि सफ़र का मज़ा बहुत लिया हम लोग, और यहाँ आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इनिशियली। पेड़ पौधों के बीच में बहुत अच्छा लगता है जबकि आप राजस्थान में रहो, और अचानक से आपको मतलब इतना ग्रीनरी दिखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये नीचे एक रूम है, ये हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर का बुकिंग था तो वो वाला मिला है हम लोगों को। ये लंच के लिए बोला, पूछा जा रहा था कि लंच रूम में मिल जाएगा या जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अभी बोला था कि मतलब आप चाहे तो रूम में ले लीजिए। वाह, ये कौन सा पंछी है? ये राया ऊपर में, बिल्कुल भी डर भी नहीं रही है मगर। हम लोगों को जाकर ही लंच करना पड़ा था वैसे। ये बालकनी से व्यू है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बस आज के ब्लॉग में हम इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और ये हम लोग अपने कमरे में आ चुके हैं और रूम का टूर बाद में देंगे। ये बाप बेटी का लड़ाई चल रहा है अगेन, पहले बहुत तेज़ भूख लगा है, अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ खाना खाने, देखते हैं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, नो आइडिया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस पार्ट में हम इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। तो और अब तक अगर
अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and